जदों भी भारतीय सिनेमा की गल होवे तां बॉलीवुड दे शहंशाह अमिताभ बच्चन का जिक्र जरूर हुंदा है। हालांकि इंडस्ट्री च उन्हां नूं बिग बी दे नाम नाल पुकारिया जांदा है। इस तों इलावा उन्हां नूं सदी दे महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम ते एंग्री यंग मैन दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। 1970 के दहाके चो भारतीय सिनेमा की प्रमुख शख्सियत सन। अमिताभ बच्चन नू भारतीय सिनेमा के इतिहास के सब तो सफल ते प्रभावशाली अदाकारां चो एक मनिया जाता है। उन्होंने बहुत सारे फैनस ने उन्होंने लुक, उन्होंने कद, बैल बॉटम, उन्होंने दाढ़ी का स्टाइल भी कॉपी किया। अज भी लोग उन्होंने उस लुक तो प्रभावित होंगे। पर अमिताभ बच्चन के इस मुकाम तक पहुँचने का सफर आसान नहीं सी। इन्हां बुलंदियों नू छूण लई उन्होंने काफ़ी मेहनत ते संघर्ष भी किया। जिस आवाज़ से लंबे कद नूं अज लोग सराउंदे ने, एक समां सी जदों उन्हां नूं अपने कद ते भारी आवाज़ करके कई जगह तो रिजैक्शन का सामना करना पिया। इन्ना ही नहीं, अमिताभ बच्चन जब ऑल इंडिया रेडियो च नौकरी लई गए तो उन्हां नूं कह के रिजैक्ट कर दिता गया कि आवाज़ ठीक नहीं है। पर इन्हां सब रुकावटां के बावजूद बिग बी ने हार ना मानते हुए कामयाबी हासिल की। अज हिंदी सिनेमा के सब तो वड्डे सुपरस्टार वजो जाने जाते हैं। उन्होंने 1969 च ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म साथ हिंदुस्तानी राही फिल्मी करियर की शुरुआत की। अज 200 तो वध फिल्मां च काम कर चुके ने। उन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार ते दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले। बिग बी ने 70 के दहाके च खूब प्रसिद्धि खटी ते अपने आप नूं सिनेमा दे एंग्री यंग मैन वजो स्थापित किया। हुण गल करदे आं उन्हां फिल्मां दी जिन्हां ने अमिताभ बच्चन नूं एंग्री यंग मैन बनाया। जंजीर च अमिताभ बच्चन का किरदार एक नौजवान पुलिस अफसर का सी जो हर समय गुस्से च रहिंदा है। 1973 च रिलीज़ हुई इस फिल्म तो उस दौर के नौजवान बहुत प्रभावित हुए सन। बहुत सारे नौजवानों ने जंजीर के इंस्पैक्टर विजय नाल अपने आप में जोड़िया। जंजीर च प्राण ते अमिताभ का टकरा काफ़ी मशहूर होया सी। इस फिल्म तो बाद अमिताभ ते प्राण की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्मों च काम किया। दीवार फिल्म दो भरावां दी जिंदगी दे आले दुआले घूमती है। उन्हां दा पिता जनता च बेइज्जत होण तों बाद फरार हो जांदा है। अमिताभ बच्चन दा किरदार डॉकयार्ड कुली तों गैंगस्टर बणदा है। फिल्म च बदला लैण दी भावना उन्हां नूं एक अपराधी बना दिंदी है। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਡੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਡੌਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੌਨ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ 2011 'ਚ SRK ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡੌਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। अग्निपथ फिल्म अमिताभ बच्चन के मरहूम पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। एक नौजवान मुंडे की कहानी दसती है जो अपने पिता की मौत तो बाद छोटी उम्र च एक गैंगस्टर बन जाता है। अंत च वह उस आदमी नूं मिलता है जिसने उसके पिता नूं मारन लई पिंड वासियां नूं गुमराह किया ते बदला लैण दा फैसला करता है। शहनशाह बैटमैन का भारतीय वर्जन है। कहानी एक अजिहे व्यक्ति की है जो दिन नूं एक भ्रष्ट पुलिस वाला ते रात नूं एक चौकसी होण दा ढोंग करता है। ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ।